हेलो फ्रेंड्स, मेरे विराट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो भैया आज का टॉपिक है हमारे पास कि जो हमारे एडसेंस अकाउंट में जो नाम है वो हमारी बैंक पासबुक के नाम जैसा ही होना चाहिए या नहीं। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे हमारे एडसेंस अकाउंट के बारे में भी हम आपको हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा तो वहाँ पर मेरा एडसेंस ऑलरेडी लॉगिन रहा होगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता हूँ, आपको फटाफट से समझा देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपना एडसेंस अकाउंट है जो कि ऑलरेडी लॉगिन करके रखूँगा और आपको इन दोनों बातों को बताऊँगा कि बैंक अकाउंट का जो नेम होता है वो एडसेंस अकाउंट जैसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा एडसेंस का नाम है वो मेरी क्या मेरी पासबुक से मैच होता है या नहीं। चलिए, मैंने जैसा कि पहले बताया था मैं ऑलरेडी साइन इन रहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो चलिए सीधे क्रोम पर जहाँ पर मेरा एडसेंस अकाउंट लॉगिन है, ये देखिए ये मेरा एडसेंस अकाउंट है, ये मेरा लोगो है और यहाँ पर मेरी जो डिटेल्स है जो कि एक एडसेंस में देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे कि जो हमारी एड्रेस और नेम डिटेल है उस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए यहाँ पर मेरा नाम लिखा है रवि राठौर। ठीक है, ये देखिए ये मेरा नाम, इसके बाद ये मेरा जो एड्रेस है, यहाँ पर जो एरिया है, ये जो मेरी कॉलोनी का नाम है और ये पिन कोड, स्टेट, जो मेरी अदर डिटेल्स है, ये इतना मायने नहीं रखती। आपको सिर्फ बताना होता है कि जो पासबुक का नाम है क्या वो इसमें सेम है। तो ये तो मेरा एडसेंस की डिटेल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरी पासबुक जिस पर क्या लिखा हुआ है, वो भी आप समझ लीजिए और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या पासबुक का नाम एडसेंस के नाम से मैच होना चाहिए नहीं। इसको मैं करता हूँ क्लोज। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मेरी पासबुक दिखा देता हूँ जिस पर मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है, तो मैं उसे ओपन करके दिखाता हूँ क्या वो मेरे एडसेंस से मैच हो रही है, आपको भी समझ आ जाएगा। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए ये मेरी पासबुक है, यहाँ पर प्राइवेसी की वजह से मैंने कुछ एरिया ब्लर करके रखा है। जहाँ पर मेरा नाम और मेरा अकाउंट नंबर है सिर्फ मैंने वही शो किया है। देखिए यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है रवि लाल राठौर, ये रवि लाल राठौर। और जहाँ मैं एडसेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा सिर्फ नाम लिखा हुआ है रवि राठौर और यहाँ पर आप देख लीजिए रवि लाल राठौर। तो यानी डिफरेंस है, इससे एडसेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अकाउंट आईडी में क्या नाम है और प्लस आपकी बैंक पासबुक में क्या नाम है। एडसेंस आपसे जानकारी फिल करवाता है इसलिए ताकि वो आपको उनके द्वारा जो एक कार्ड आता है पिन वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए एड्रेस डलवाता है और प्लस नाम जो भी आप देना चाहें, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे चलकर इससे। और आपके बैंक पासबुक में जो नाम है वो सही होना चाहिए और इसकी डिटेल आपको वहाँ पर जो पेमेंट मेथड है वहाँ पर आपको सही भरनी होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि जो मेरा एडसेंस में नाम है वो अलग है और जो मेरी बैंक पासबुक में नाम है वो अलग है। होता क्या है, जब एडसेंस आपसे आपका एड्रेस वेरीफाई करवाता तो उसकी डिटेल्स आपसे मांगता है, प्लस पासबुक की डिटेल्स तब वो आपसे मांगता है जब आपका पिन वेरिफिकेशन होता है और जिसमें आपको पासबुक की जो डिटेल होती है वो फिल करनी होती है जिससे कि आपको एडसेंस पेमेंट करता है। तो एडसेंस जो पेमेंट करता है उससे आपके पर्सनल एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि आपका पर्सनल एड्रेस क्या है और आपका बैंक पासबुक का एड्रेस वो प्लस नाम जो भी है। ठीक है, तो पासबुक का नाम एडसेंस के जो अकाउंट आईडी है उससे मैच हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आप भी बिल्कुल डिफरेंस नाम भर सकते हैं, अलग नाम भर सकते हैं एडसेंस आईडी में, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करें कि जो आपका रियल नेम है वही आप वहाँ पर फिल करें। हो सकता है आगे कुछ वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो जाए क्योंकि एडसेंस भी अपडेट्स लेता रहता है, अपने जो क्रिएटर है उनसे जानकारी और मांगता रहता है बीच बीच में। तो हो सके आप अपना बिल्कुल सही नाम दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पासबुक से मैच ही कराना चाहिए, लेकिन 90% आपका नाम उससे मैच होना चाहिए, आपको आगे की कोई दिक्कत ना हो इसलिए। तो यही जानकारी आज आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।